दोस्तों शुरुआती तौर पे जिस तरीके से लाइगर मूवी को प्रमोट किया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मूवी भारत की बड़ी से बड़ी मूवी को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन दोस्तों लाइगर मूवी का ये हाल, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि अगर इसी तरीके से लाइगर मूवी करती रहेगी तो पूर्णतया पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। यहाँ पे ऑडियंस को लाइगर मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। यहाँ पे सिर्फ अनन्या पांडे की घटिया एक्टिंग को बचाने के लिए लाइगर मूवी में विजय देवरकोंडा ने एक्टिंग की थी। अभी तो मेरे को ऐसा बिल्कुल लगने लगा है कि ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, ये ऑडियंस को सिर्फ पैसा छापने की मशीन समझते हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर लाइगर जैसी मूवी जिस तरीके से लोगों को चिपकाई जा रही है, उससे बिल्कुल ये लग रहा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों लाइगर मूवी की आखिर 5 दिन की कमाई कितनी हुई है और ये मूवी कितने बजट में बनी हुई है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। वास्तविकता अगर दोस्तों देखी जाएगी, इस मूवी की कोई स्टोरी ही नहीं है। नॉर्मली 2 लाइन में इसकी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। स्टोरी न होने की वजह से और दूसरा घटिया एक्टिंग करने की वजह से ये मूवी फ्लॉप होने की कगार पे बिल्कुल आ चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर इस मूवी का बजट कितना था। तो दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 125 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। वहीं पर 5 दिन का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 75 करोड़ रुपए है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाएगा तो ये मूवी फ्लॉप होने के कगार पे पहुंच चुकी है। गाइस अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको भी पता होगा कि इस मूवी में आखिर एक्टिंग कैसे की गई है। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप इस मूवी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।